पहले कॉलर है हमारे साथ सुभाष जैन, एमपी से, स्वागत है आपका। बोलिए। हेलो सर, से बात करना हमको सुलाम कल से। जी जी, आदावर, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है। जी बताइए। हेलो जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हमारा है ना गला सूखता है खूब, और है ना दाहिने हाथ में दाहिने की तरफ पसीना आता चेहरे पे, और है ना गले में, हमको गले में ना ऐसा लगता कुछ अड़ा रहा है, और दाहिने, हाँ दाहिने में, दाहिने कूल्हे की तरफ छोटी सी गठान है। हेलो। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, एक तरफा बात हो रही है, आपकी बात हमने सुन ली, अगर आप हमारी बात सुन पाए तो कुछ फ़ायदा हो। देखिए, गला सूखता है तो रोज़ाना मेथी पानी में उबाल कर आधा चम्मच, और उसमें आधा चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, ये पानी दिन में एक बार, तो इससे आपके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। और एक तरफ पसीना आता है आपको, एक तरफ नहीं, ये भी एक रोग है, आप थायराइड का टेस्ट करा लें, अगर थायराइड है तो फिर आपका थायराइड का इलाज भी होना मुमकिन है। अगले कॉलर है यूपी से सुरेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। आदाब। नमस्कार, मैं हकीम जी को आदाब है। जी आदाब साहब। मेरे बहन, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। मेरे बहनों, उनको 3-4 साल से किडनी की प्रॉब्लम है, जिन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है जी। और देखिए, काश आप शुरू में ही वो करते, फिर भी मैं आपकी मदद तो करूँगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये नौबत आने से पहले या आते ही यूनानी से संपर्क करना चाहिए, और जिनका डायलिसिस 3 बार होता है परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स में लाइन लगी भी है। अच्छा देखिए, ये होता क्यों है, इस पर तवज्जो दें कि हम जब भी कोई दवाएं, गर्म दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, पेन किलर दवाएं खाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं लेते जो हमारी किडनी की हिफाजत कर सके, लीवर की का हिफाजत कर सके, बहुत ज़रूरी है। तो वो दवाएं हमारी किडनी या लीवर पे असर करके जाती ही हैं। अगर किसी ने भी 15 दिन से ज़्यादा लगातार कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर का इस्तेमाल किया तो ये असर आ जाता है। तो कभी भी किसी को, ऐसे लाखों करोड़ों मरीज़ हैं जो जिनका जीवन दवा बन चुका है, उनको चाहिए कि कैप्सूल पी केयर भी रोज़ाना 1 बार या 2 बार लिया करें। इससे हमारी किडनी और लीवर और मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी की बड़ी हिफाजत रहती है, कैप्सूल पी केयर। और ये लेना शुरू करें आप भी दिन में 2 बार, और फिर देखें कि कितनी बार आपका डायलिसिस कम होता है। ये क्रिएटिनिन को डाउन करता है, जिनकी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका मनु। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? सुलेमान जी से, हरदोई से। ठीक है ठीक है, सवाल हम नोट कर रहे हैं। हकीम जी बहुत काबिल हैं, आप भी बहुत अच्छा साफ बोलती हैं, समझ में आ जाती है आपकी बोली बोले। हकीम जी भी बहुत अच्छे हैं, बिना पैसों के बता देते। हमारे हमारे मुँह जो है हर महीने हो जाता है, हम नोट कर रहे हैं काफी देर। क्या हो जाता है? महीने में एक बार जरूर हो जाता है, सफेद सफेद छाले, दाहिने हाथ तरफ निकले हैं दाने, उससे खाते भी नहीं बनता, बहुत दर्द होती है। अच्छा अच्छा, आयु कितनी है आपकी? आपकी हमारी 45। 45, पेट तो खराब नहीं रहता आपका? जी चूरन लेते हैं, अभी हमने हफ्ते से तेल भी मंगवाया था, आप बहुत अच्छा बताते हैं, हमें फायदा हो जाता है, बता दीजिए। ठीक है,
धनिया, सौंफ, मेथी, धनिया, सौंफ, मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला, ये चार चीज़ें सबको बराबर बराबर वज़न लेकर और ले, यानी 200 ग्राम लें। और एक आता है जैतून का नमक, रसायन जैतून कहते हैं, ये नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में बिल्कुल नमक लगता है, इसमें 150 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम आप खाया करें, आपको फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है वाराणसी से, शुभम स्वागत है आपका। नमस्ते, हकीम साहब से बात हो रही है। जी जी शुभम जी, बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब, ये पूछना था कि मेरे पापा जो है थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के हैं, तो वो जैतून का सिरका लेने में हिचकिचाते हैं, तो उनको हम खाने में मिला कर दे सकते हैं? ठीक है, हाँ बेटा दे सकते हैं, जिसमें भी वो पसंद करें। अक्सर मैं तो कहता हूँ कि सब्जी या सालन में मिला सकते हैं तो वो इतना ख़राब नहीं लगता, वैसे तो ये जायकेदार होता है, खट्टा होता है, और दे सकते हैं आप, उनको फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, जो ये जैतून का सिरका है वो थोड़ा खट्टा है, लोगों को कुछ ये भी शिकायत है कि इतना खट्टा होता है, हमारा जो गला है वो पकड़ लेता है, तो वो लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की तासीर को बदलने के लिए, जैसे खट्टा है और ठंडा है, तो इसको बदलने के लिए गर्म चीज़ें इसे मिला दें। मैं अक्सर बताता हूँ कि अदरक का जूस मिला दें, लहसुन का जूस मिला दें, तो ये गर्म हो जाता है, मतलब गर्म भी नहीं रहता, ठंडा भी नहीं रहता, बीच वाला हो जाता है, दरमियानी हो जाता है, तो उसमें मिला सकते हैं। जिन लोगों को शुगर नहीं है, शुगर भी इसमें मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं इसमें, और इसे खाने के बहुत तरीके हैं, इसका मिजाज बदलना भी आप लोग सीख लें ताकि ठंडे मिजाज के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सके। अगले कॉलर है महाराष्ट्र से, शाहीन स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी मैडम, हमको अतिम साहब से बात करनी है। जी जी फरमाइए शाहीन, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम अतिम साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, बताइए। हमारे बच्चे की हमने दवा मंगाए थे कलौंजी का नमक, तो उसकी थोड़ी उसको फर्क हुआ लेकिन उसकी ना हालत नहीं बन रही। अच्छा, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम थी? हालत बनती है उसकी ऐसी, ऐसा दुबला बहुत है। ठीक है, उसको फायदा शुरू हो गया है और अभी शुरू हुआ है, ये फायदा होने के बाद उसकी हालत भी बन जाएगी, सेहत बनना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं बने तो, वैसे तो ये ख़त्म होते होते सेहत अच्छी होना चाहिए, नहीं तो आप एक और नुस्खा ले लेना, और वो होता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, ये आधा ग्राम नमक, सॉरी आधा ग्राम पानी में या नारियल पानी मिला के रोज देने से उनकी सेहत भी अच्छा होना मुमकिन है। दिल्ली से अगले कॉलर है रामपाल, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरे सर, मेरे जो है पेट में दर्द है और शुगर है। अच्छा ठीक है, हाँ शुगर कब से है? ये 2 साल से है, ये चिट्टी सी लगती है पैरों में, हाथों में खांसी लगती है। उम्र क्या है आपकी? 64 साल। ठीक है, शुगर है जी, शुगर है, पैरों में तकलीफ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप वो जो शुगर की दवा लेते हैं वो तो लेते ही रहे, लेकिन 3-3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के जैतून का सिरका लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और हो सकता है इससे दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, और ये सब ठीक हो जाए। पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, वो दवाई भी लें जो लेते रहें, और मुमकिन है इसी से आपकी बाकी सारी तकलीफें ठीक हो जाए। कन्नौज से नेक्स्ट कॉलर है सीमा जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी जी, मेरी जो माता जी है ना उसको शुगर है, तो वो हाई रहती है बहुत ज्यादा, तो उसको मतलब कैसे कंट्रोल करें? उम्र क्या है उनकी? 15 ईयर, मतलब 50 साल की है वो। ठीक,
तो बिटिया देखिए, शुगर जो है वो एहतियात वाले लोग बहुत कामयाबी से ज़िंदगी गुजारते हैं। शुगर वाले को एक घंटा पैदल चलना चाहिए धूप में, अगर चल सकते हैं तो, और जो लोग नहीं चल सकते उन्हें धूप में खाली बैठ जाएं। 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए और भोजन जितना उनकी खुराक है उसे आधा करना चाहिए। जैसे 4 रोटी की खुराक है तो 2 रोटी खा के छोड़ दें, चाहे फिर 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें तो उनकी शुगर बहुत स्थिर रहती है। और जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, और जैतून का सिरका अगर 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी में मिला कर लें तो इससे शुगर को काफ़ी फ़ायदा रहता है और सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो लोग जिनको डायबिटीज है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? नीलू त्यागी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरठ। मेरठ, ठीक है। आपका सवाल क्या है? मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, 4 साल का। किसका मरीज है? डिप्रेशन। डिप्रेशन, अच्छा। उम्र बताइए। उम्र मेरा 40 साल है। ठीक है। अच्छा देखिए त्यागी जी, इस वक्त तो सभी लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं, और जो लोग भी डिप्रेशन में हैं उनके लिए अच्छा नुस्खा कह सकते हैं। देखिए आंवला लीजिए, आंवला सूखा हुआ मिलता है 100 ग्राम, 100 ग्राम आंवला, और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम छोटी हड़, और 300 ग्राम धनिया, ठीक है। ये इसमें मिलाइए, सॉरी, इन सब को आप अरंडी के तेल में या बादाम के तेल में भून लें, पहले पाउडर बना लें फिर भून लें, ठीक है। अब इसमें आप गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला ही लेना है, गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम मिला लें, ये पाउडर तैयार हो गया। अब एक छोटा चाय का चम्मच सुबह खाली पेट, जिसे निहार मुँह कहते हैं हम लोग, पानी से ले लिया करें, एक बार काफ़ी होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो रात को सोते समय भी आप ले सकते हैं, और ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपका डिप्रेशन को फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है राजस्थान से, आशा रानी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। वो मेरे हर्निया की दिक्कत है यार, हार्ट की थोड़ी दिक्कत है। हार्ट की दिक्कत है और हर्निया। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 55 साल। अच्छा देखिए, हर्निया अगर मामूली सा है तो ठीक हो सकता है। हाँ जी। और उसके लिए आप पेट ठीक कर लें, हर्निया ठीक हो जाता है। पेट ठीक करने की अच्छी दवाइयाँ, मेयारी स्टैंडर्ड दवाइयाँ लें, कोई भी पेट साफ करने की दवाई ना लें, पेट का सिस्टम ठीक करने की दवाई लें। और देखिए ग्लोय आती है एक जड़ी बूटी जिसे सभी जानते हैं, या लिख लें आप ग्लोय, ग्लोय की को ले लीजिए, सूखी भी मिलती है, सूखी भी ले लें 100-200 ग्राम, और इसका पाउडर बना लें, और एक चुटकी ग्लोय सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक चुटकी में जितना आता है पाउडर बनाकर आप खाने से पहले खाने के बाद लिया करें। आपको अगर ये मामूली है तो ठीक हो सकता है। हार्ट के लिए आपको 7-8 महीने भी अगर सब रख सकते हैं तो उसको फ़ायदा होता है। हार्ट की एक अच्छी दवा नींबू का रस, अदरक का रस, और नींबू, अदरक और लहसुन का रस, ये तीनों का 1-1 लीटर रस निकालिए। ये दुनिया की बेहतरीन दवाओं में, यानी घरेलू नुस्खों में आता है,
इसे अरबी नुस्खा कहते हैं, और ये इतने मर्दों में काम आता है पेट के लिए। पहले मैं ये बता दूं कि नींबू, अदरक और लहसुन का रस एक एक लीटर निकालें, और एक लीटर आपको लेना है जैतून का सिरका, विनेगर जैतून या जैतून का सिरका कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, असली लें। इन सबको मिला दें, अब ये एक दवा तैयार होगी, आपकी 5 महीने चलेगी। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम, 2 बार से 3 बार तक ले सकते हैं। ये हार्ट के लिए एक तोहफ़ा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक तोहफ़ा है, और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए एक तोहफ़ा है, पेट के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और होता है, और फालिज ज़्यादा लोगों, जिनको पैरालिसिस हुआ है उनके लिए, ये 2 से 3 बार 3-3 चम्मच पिया करें। खूब भगवान से मदद मांगे, ये नुस्खा बहुत कामयाब है, हर उस आदमी को लेना चाहिए जो 45 साल से ज़्यादा का है, ताकि ये सारे रोग उनको ना हो सके।